हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंपिंग ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। और अभी मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, तब आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और देखिए गाइस, छोटा छोटा पक्षी नहीं दिख रहा होगा, मैं पीछे का कैमरा से दिखाऊँगी बैक करके। तो अभी मैं जा रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, लेकिन जाना तो है ही। तो चलिए बताती हूँ क्या अच्छा है और क्या बुरा होगा, तो मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और बाहर का नज़ारा देखिएगा इस, कितना सुंदर फूल खिला हुआ है। और आज थर्सडे है, मैं आऊँगी तभी पूजा करूँगी, क्योंकि अभी मैं जाऊँगी, जाने आने में मुझे बहुत समय लग जाएंगे, और फिर समय भी होता है किसी चीज़ का। ठीक है, तो देखा हम एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल तस्वीर देखा रिकॉर्ड हट लगे तो तनी मनी ऊपर नीचे छोटा मोटा गलती तो हुए नहीं पा रही छो। तो मैं स्मार्ट तो बचपन, मेरा बेटा स्मार्ट बचपन से ही है। अभी मैं जा रही हूँ तो आकर मैं बृहस्पति भगवान का पूजा भी करूँगी, जो भी मैं डेली कर लेती हूँ 9 बजे तक, लेकिन आज मैं लेट हो रही हूँ क्योंकि मुझे अभी जाना ज़रूरी है, और आऊँगी तभी मैं फिर पूजा करूँगी। तो आने के बाद मैं बताती हूँ कि मैं आगे, पहले भी मैं बताती हूँ कि मैं जा कहाँ रही हूँ, और फिर मैं आऊँगी तो फिर बताऊँगी कि मैं क्या क्या की। और गाइस, आज मेरा मॉर्निंग में मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, और मैं बहुत दिन के बाद बताई थी ना कि मेरा तीसरा ब्लॉग जा रहा है, तो मैं ऐसे ही ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहूँगी। छोटी छोटी अपडेट जो कुछ भी रहेगी तो मैं आप लोग के साथ जरूर करूँगी, और मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग के साथ शेयर करना। तो आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं क्या करूँगी, आज कहाँ जा रही हूँ, आज क्या बहुत ज़रूरी काम है जो कि मुझे सुबह सुबह जाना पड़ रहा है, तो आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। क्या नंबर बातुक थोड़े चुके हैं। और फाइनली गाइस देखिए, हम लोग सभी कोई जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, तो आप लोग गेस करिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं सभी कोई है। तो आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। अरे इनको तो बताना नहीं पड़ेगा, बाप रे कब तक हम ऐसे लड़म बने को तो भाभी भाभी लाइट के बाद चार दिन थोड़ा बनाएल पड़े। हां लाइट के तार कौन लाइट लाइट बोले ना, और एक फ्लो जो ना रिप्लेस करवा दे ना, ये खोल दे। चलिए फिर अब मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आगे बताती हूं कहां जा रहे हैं। जरा बोल दिए कन्नौज घुसी जो जाए छे, कन्नौज निकली जाए छे। एक सौ बीस का महीना बात हाँ। मोबाइल भी रखे मोबाइल रखे दे तो फाइनली गाइस मैं आ गई अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए, क्योंकि आज रिपोर्ट कार्ड मिल रहा है, तो मैं पहुंच गई अपने बेटे का स्कूल। स्कूल तगड़ा किसी की गया। हाँ बढ़िया छे एकदम, खड़ा छे मैडम। हाँ आदमियों चलो आरो हमर साइडो से कटने छियै, हमर जान हमरा ध्यान नहीं देने तो सही बात है। रोकै छै मत रो, सबसे बड़ा चीज छै फोन हम जे घुसलो छियै बाहर दिए बाहर नै, मतलब जे हम कोन चीज जे हम यहाँ हाँ 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 कोचिंग का कैलेंडर है कितना सारे कार्ड है। और फाइनली गाइस मैं अपना बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लेकर के निकल गई हूँ, और मैं अब आगे बताती हूँ अब मैं कहाँ जा रही हूँ। चलो थोड़ा
तो आप लोगों को पता चल गया होगा इस मैं कहाँ गई थी, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए गई थी, जो कि आज रिपोर्ट मतलब रिजल्ट निकला बच्चे का, तीन बच्चे का रिजल्ट निकला। पार्थू ले ला के ले दे, वही छोड़ तो हुआ है न गे। तो अभी मैं रिपोर्ट कार्ड ले ली, सभी ठीक है, अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छा आया है सभी का। तो अब चलिए मैं नेक्स्ट मैं कहाँ जा रही हूँ, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। यही चीज से नहीं आकर दो मिनट बर्दाश्त नहीं करते, बैक कर दो जी कुछ। अभी तो मैं चार दिन से नहीं अभी ये बोला चले रही, बट आदमी ये लो नहीं चाहिए अभी। अभी जो लड़की है ना, जब उन्हें अभी के लिए इतना ही कर लेंगे। मैं तोड़ी करने लगा चलो डांस लेकर। इतना नाली वाली बना दी, ड्रेनेज सिस्टम क्लियर कर दिया था क्या? बाप एयरपोर्ट रोड चाहिए ना? हाँ। एक बार तो हाईफाई रखा ये एयरपोर्ट। नहीं लाने। जीटी रोड से। अरे भी नया डाल लग। दुमका 120 चले। मैं दुमका तो चल दुमका। विशेष गांधी सोशल के इलेक्शन जो जो नहीं जीत लो तो कैसे पड़ा? हाँ, एक बार डाल दिया। पार्क सरस्वती विद्या मंदिर यहाँ पे भी है क्या? ये बात तो जमा चेक बात थोड़ा बहुत अपना आपसे अलग करे पड़ते हमारे ठीक ने मतलब कि ना सुरक्षित जोन बना दे रहे जिंदगी के ग्रास लेकर, ये नहीं जानना वो नहीं करना, ये नहीं कर छूना वो नहीं होना है। कई बार जाए जा रही है, फेनो गिरे रही है, फेनो घर से बाहर जाए ले दे छै ई बात चलो छै बट्टा जे लगे छै ओ ईटा वाला बट्टा के बाबा आवे जांचिस के तो हाउ कहै छौ आ जखली हा अभी जो ओ उतरबो म बैठले 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 की तो बॉडी लाइन बैठले बैठले। अभी देखिए गाइस अभी बच्चे सबको लग गया भूख प्यास, तो अभी गया सब कोई नारियल पानी पीने के लिए। अब मैं तो पीऊंगी नहीं क्योंकि आज मेरा थर्सडे है, तो थर्सडे का फास्टिंग है, तो फिर जब तक मैं नहाऊंगी नहीं पूजा नहीं करूंगी तब तक ना तो चाय पीऊंगी ना तो पानी पीऊंगी। कहाँ सर एक तबियत गड़बड़ा गलो छे ना, सर्दी हो गलो छे, कथा उन्हीं सुनाई छे सोचते सब्सक्राइब रहो ना की कह देंगे की बोले छे। तो अभी मैं जाऊंगी घर, तो मैं वहाँ पूजा का भी आपको ब्लॉग शूट करके दिखाऊंगी, मैं पूजा करूंगी, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। अरे करेली फूल चिके की ना सब्जी कौन? हाँ वो पड़ता है कनेल कनेल से। हाँ दो कनेल था, पीला पीला करना चाहिए। हाँ तेरा पीला लेकिन देखा देता हूँ नहीं मर्दमान दौड़ा। और गाइस देखिए सभी कोई नारियल पानी पी रहे हैं, जो कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और हम लोग जा रहे हैं अभी एयरपोर्ट, जो कि अभी मैं अपने भैया को छोड़ने के लिए जा रही हूँ एयरपोर्ट। तो आज मेरे भैया जा रहे हैं, बताई थी ना होली में आए थे और आज वो जा रहे हैं, तो मैं उन्हीं को छोड़ने के लिए हम सभी कोई जा रहे हैं एयरपोर्ट। और घर स्कूल भी मैं गई थी क्योंकि आज रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला था स्कूल में बच्चों का, तो मैं रिपोर्ट कार्ड ले ली आप लोग को दिखाई, और आगे भी आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहेगा। अरे सुशान हम आतंकवादी जन कट ना, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं आगे का भी अपडेट देती रहूँगी आप सभी को। बटाटा सूत्र क्या पीछे में सूत्र हमर तो बात सही ओकरा जान ना हक हक आवा लगलो को देख ए टीवीएस वाला बाइक तो मालूम। और फाइनली गाइस हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, आपको मैं देवगढ़ एयरपोर्ट का व्यू दिखाती हूँ। हम अपना गजनियास मिलने एयरपोर्ट जा रहे हैं। अरे चढ़वा गजनिया रांची से आ रही है, अब तो गजनियाड़ी के आवे तो अच्छा हो रही। मुझे टोल का कितना लेता है पहुंच में कैब जब भैया आता दिल्ली? 50 4 बजे से। अभी रांची जब
तकनी रांची जे भाई ओकरा बाद 2:30 बजे फेर वहां से रांची जे भाई रांची से फ्लाइट 2:30 बजे चलना रांची हो जाई छी तुम फ्लाइट पापा हम भी जाएंगे डायरेक्ट फ्लाइट जे छलो महंगा छले अच्छा 8000 के अरे पापा आ हाइट हो है ना का 5:30 यहां फास्ट के नसा नहीं ले गए इसका नहीं नहीं होते एकरा बाद पैसा दियो क्या निकाल ले छी पंडित दिया नहीं देते हम माता पते 50 लगता है 50 चेन दे दीजिए ना अरे रुकिए हम मेरे कितना टाइम है गाइस दे और देखिए गाइस हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं देवघर एयरपोर्ट और अभी मेरे भैया बात कर रहे हैं मेरे पापा से और अभी मैं भैया को छोड़ दूंगी लेकिन यहां का व्यू कितना सुंदर है गाइस और मेरी भाभी भतीजा भतीजी मेरा भाई सब कोई छोड़ने के लिए आए हुए हैं भैया देवघर आके कैसा लगा देवघर हमारा बाबा नगरी है इसमें पूछने का कोई सवाल ही नहीं उठता है और इतना पवित्र स्थान यहाँ आने के बाद में पूरा मन पवित्रता से एकदम प्रसन्न हो जाता है और विभोर हो जाते हैं शिव नगरी में की हम सभी से आग्रह करेंगे कि बाबा नगरी आइए और बाबा का दर्शन जरूर प्राप्त करिए ये बहुत सौभाग्य का बात होगा कि आप बाबा नगरी आएंगे और 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग बहुत फेमस है यहाँ शिव और सती दोनों हैं तो आप लोग से आग्रह आइए और बाबा का पूजा करके आशीर्वाद लीजिए और आप सभी व्यूअर को जय श्री राम हर हर महादेव हर महादेव हर हर महादेव तो देखे गाइस मेरे भैया सभी आप लोग बात किए जो कि बहुत अच्छा लगा मेरा घर भी यही देवघर में ही है और ये अभी दिल्ली में रहते हैं और अभी दिल्ली से आए फिर वापस रिटर्न जा रहे हैं एक कच्चू मिनट मेरे सकते हैं मेरी भाभी थक थक आके बैठ गई पति के वियोग में ये मेरी भाभी ना बड़ी सैड सैड होकर के बैठ गई क्यों क्यों सैड है भाभी आप क्यों सैड हो क्योंकि पति आपका चाह रहा है आपको छोड़ के कोई बात नहीं अभी आप गर्मी की छुट्टी में आप लोग भी जा रहे हैं ठीक है इसलिए डोंट वरी कलेजा पे पहिया वाला पत्थर रख लीजिए ठीक है टेंशन मत लीजिए भैया आपको कैसा लग रहा है भाभी को छोड़ के जाने में बहुत बहुत मजा आ रहा है क्यों मजा आ रहा है आपको भैया घर वाली को छोड़ के बाहर वाली के पास और फाइनली गाइस मेरे भैया अंदर एंट्री कर रहे हैं छोड़ी देना और फाइनली गाइस मैं घर आ गई हूँ और इतनी ज़्यादा गर्मी अभी आई नहीं है और अब गर्मी स्टार्ट हो गया और बहुत थका थका सा फील हो रहा है क्योंकि मैं सुबह से ना तो चाय भी पी हूँ ना नहाई हूँ मैं खुद के लिए नारियल पानी ले ली हूँ जो कि मेरे भैया मुझे खरीद के दे दिए बोले तुम नहीं पी अभी पूजा करके पी लेना तो वही मैं नारियल पानी लेके आई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ अब नहाऊंगी और अच्छा तो नहीं लग रहा है गाइस क्योंकि कोई आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है लेकिन कोई जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ कर नहीं सकते जाना भी ज़रूरी है वो आपकी कर्म भूमि है तो वहाँ भी जाना ज़रूरी था तो खैर ऐसे ज़िंदगी में प्यार स्नेह सब बना रहे और क्या चाहिए फाइनली गाइस देखिए मेरा विष्णु भगवान का पूजा हो गया बहुत ही अच्छे मन से श्रद्धा भाव से मैंने बहुत ही अच्छे से पूजा कर ली और अभी मैं आरती भी करके अब जा रही हूँ केले के जड़ में जल डालने के लिए तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए
और फाइनली गाइज मेरा पूजा हो गया। मैं अभी तक खाना नहीं बनाई हूँ और अभी नहीं लग रहा है मुझे कि मैं खाना बना भी पाऊँगी, क्योंकि दोपहर के 2 बजने वाले हैं। और ऐसे तो मैं डेली पूजा सुबह उठती थी तो कर लेती थी, लेकिन आज मुझे स्कूल भी जाना था, प्लस भैया को भी छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाना था, तो फिर इस वजह से मैं मतलब नहीं कर पाई सुबह में। तो खैर कोई बात नहीं, और आई मैं वहाँ से लगभग 11:30 बज गया मुझे। फिर घर आ करके भी पूरा तैयारी, झाड़ू पोछा सब सब करना था, वो सब की करते धरते मुझे 12 बजा फिर मैं पूजा करने के लिए स्टार्ट की, तो फिर 1 बजा मुझे पूजा करने में। और पूजा करके मैं अभी एकदम से निश्चिंत हो गई, तब जा करके अब सोची थोड़ा सा ब्लॉग में शूट कर लेती हूँ, और ब्लॉग शूट करके अब मैं जाऊँगी, तब मैं अब खाना बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो भी चाय पी के चले गए, तो बोले रहने दो भी तुम आराम से थोड़ा देर पहले रिलैक्स हो लो, फिर खाना वाना का देखा जाएगा। तो कोई नहीं, लेकिन बनाना तो है ही गाइस, तो इस वजह से आप कुछ भी हो खाना आपका नहीं हो मतलब छूट सकता, क्योंकि जब आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल नहीं, आप किसी भी स्थिति में रहें तो आपको खाना बनाना ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, गई मैं भैया को छोड़ के आई, अच्छा तो खैर नहीं लग रहा है कि वो चला गया, आया था तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, और गया तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, भाभी बहुत सैड थी। तो मतलब तो खैर कोई नहीं, अभी भाभी लोग भी जाएगी दिल्ली तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी ज़िंदगी है तो आते जाते रहते हैं, तो कोई उतना इंसान को टेंशन लेकर के नहीं चलना चाहिए। और आते हैं तो एक अलग माहौल, एक अलग क्रेज रहता है, जाते हैं तो फिर वही सभी कोई सारे बच्चे बूढ़े जवान जिस सब को जिसको भी देखेगा तो सब कोई पूरा सेट जैसा रहेंगे अभी एक दो दिन तो। और सबसे ज़्यादा मैं बताती हूँ भाभी को बुरा लगता है, क्योंकि उनके वो हस्बैंड है तो जाहिर सी बात है तो उनको बुरा लगेगा ही, तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। और भाभी का रहना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि भाभी रहती हैं बच्चों के लिए, बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, और जानते हैं झारखंड बिहार की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, मतलब उसका कंपेयरिंग कोई कर ही नहीं सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप मतलब झारखंड बिहार में पढ़ते हैं, तो एजुकेशन के मामले में झारखंड बिहार 1 पर है, तो आप कहीं भी देख लीजिएगा, ऐसे है बहुत जगह है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हाँ मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब आप अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश दे सकते हैं झारखंड बिहार में, तो अच्छा लगता है। तो खैर कोई नहीं, अब है तो क्या कर सकते हैं, और सबका अपना अपना सोच अपना अपना मेंटालिटी होती है। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं खुद महानगर छोड़ कर के आई हूँ झारखंड बिहार में सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए मैं यहाँ पर आ गई और यहीं पर मैं शिफ्ट कर गई। तो ऐसे होते जाता रहता है, सबका अपना अपना सोच अपना अपना तरीका है। मुझे तो बहुत पसंद है बाबा झारखंड बिहार, अपना गांव घर, अपना कल्चर, अपना माहौल, एक अलग क्रेज वो देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, मुझे बहुत पसंद है। तो और सबसे बड़ी बात क्या है ना गाइस, का मिट्टी से जुड़े हुए रहते हैं, तो बाहर में ना बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी लाइफ हो जाती, मतलब जो कहते हैं कि मतलब समाज का तौर तरीका, रहन सहन, बैठना उठना बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा, तो बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। बाद बाकी तो जब बड़े होंगे बच्चे तो बाहर ही जाना है, कौन सा सब दिन वो सब मेरे ही साथ रहेंगे। तो पढ़ाई के पर्पस से भी भाभी लोग भी यहीं पर रह रही हैं, अभी फ़िलहाल बच्चों के लिए ही रह रही हैं, पापा हैं घर पर सभी कोई हैं, तो ऐसी इसके वजह से यही मेन फैक्टर है कि भैया भाभी से अलग रह रही हैं। तो और रही बात तो अभी जैसे गर्मी छुट्टी होगी तो उसमें भैया भाभी सबको अभी पूरा गर्मी छुट्टी साथ में बिताएंगे, फिर वापस से आ जाएगी गर्मी छुट्टी ख़त्म होने के बाद, फिर भैया आते जाते महीने में मुझे लगता है 1-2 महीने में मेरे भैया आ ही जाते। तो खैर कोई नहीं, सब होते रहता है, चलते रहता है ज़िंदगी। और सबसे बड़ी बात क्या है गाइस ना, कि इंसान अपना कंफर्टेबल के हिसाब से आगे चलता है, अब आगे बढ़ता है, आगे चलता है, या फिर अपने हिसाब से सब कुछ को मैनेज करता है, तो अच्छी बात है, अपना अपना सबका सोच तरीका नज़रिया है।
तो चलिए आप लोग ऐसे प्यार से सपोर्ट बना करके रखिएगा, और छोटी से छोटी बात मैं आप लोग के साथ इसी तरीके से शेयर करती रहूँगी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है आप लोग से बात करके। तो चलिए पम पम ब्लॉग्स को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और हाँ कहीं जाने जाने अगर मेरे से कुछ गलती होती है तो माफ़ करिएगा, और ऐसे प्यार से सपोर्ट हमेशा बना करके रखिएगा। मैं आगे भी दूँगी छोटी छोटी ऐसे, मेरे मुझे लगता है कल भी मेरा ब्लॉग आएगा और कुछ स्पेशल ही आएगा। तो चलिए कल मिलते हैं कुछ मैं आप सबसे, तब तक के लिए बाय बाय।